नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों। जयपुर में हरियाली तीज पर तीज माता की भव्य सवारी निकाली गई। आज शाम 5:30 बजे से तीज की सवारी शुरू हुई। सवारी जाननी ड्योढ़ी से शुरू होकर चौगान स्टेडियम तक पहुंची। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर मार्ग बदले गए हैं और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से आज 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। जोधपुर मंडल के केरल रोहट, मारवाड़ खारा, मारवाड़ बिकड़ी, फलौदी मल्हार के बीच जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। राजस्थान शिक्षा विभाग एक बड़ा फेरबदल करने में जुटा हुआ है। चर्चा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा विभाग तबादलों की लिस्ट बनाने में जुटा हुआ है। इन शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में लगाया जाएगा। झालावाड़ जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन ने झालरापाटन के श्रीमन नारायण मंदिर की भूमि के आम रास्ते पर नगर पालिका की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को बेदखल किया। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी आज झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ में मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि जैन भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में अघोषित बिजली कटौती पर रोक में बढ़ाए गए स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज वापस करने और बेतहाशा बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा झालावाड़ के मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। आरपीएससी की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन किया या करने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा मंगलवार 6 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी संचार एनालिस्ट कर्मचारी प्रोग्रामर उप निदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा है। रेसलर विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। इसके बाद आए बयान में बताया गया है कि भारतीय दल को बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि महिला कुश्ती में 50 किलो वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पूरी टीम रात भर पूरी कोशिश करने के बावजूद भी आज सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ग्राम कम पाया गया। इस समय दल की ओर से किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय टीम आपसे विनेश फोगाट की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजीबी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर केजरीवाल ने एलजी से कहा है कि उनकी अनुपस्थिति में 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन। नमस्कार।